अमान, एक दफा तुम अगर मेरी बात सुन लोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। चोर को भी अपनी सफाई देने का मौका मिलता है। क्या मैं इतनी बुरी हो गई हूँ कि मैं अपनी सफाई भी ना दूं? तो मेरी बात भी नहीं सुनोगे? सुनने सुनाने का वक्त गुजर चुका है, अब इस चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा असल चेहरा मेरे सामने आ चुका है। बस कर दो, बस कर दो। मुझे बुरा बोल रहे हो क्योंकि उस जारा ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल भर गया है मुझसे और उस जारा से तुम्हारा दिल जोड़ गया, इसीलिए उसके कहने पे मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो तुम। तुम उस मासूम जारा को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? और अगर तुम ये समझ रही हो कि उसको बीच में लाने से तुम्हारा झूठ छुप जाएगा तो ये तुम्हारी भूल है। तुम उस लड़की को मासूम कह रहे हो जिसने अपनी चालाकियों से मुझसे मेरा प्यार, मेरा अनुमान दूर कर दिया? कहां से मासूम हुई वो? फायदा मुझे तुमसे जारा ने नहीं, तुम्हारे धोखेबाजी ने दूर किया है, समझी? देखो मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं सिर्फ इसीलिए ताकि तुम मुझसे नाराज ना हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मेरी नीयत तुम्हें धोखा देने की नहीं थी नुमान। लेकिन मैं तुम्हें अब एक एक बात सच बता रही हूँ, सब कुछ सच, यहाँ तक कि उस दिन क्या नुमान, जारा घर छोड़कर जा रही है। लेकिन क्यों? फायजा की वजह से, इसने उसके ऊपर हाथ उठाया है। नुमान, अगर वो घर छोड़ के चलेगी तो मैं तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूंगी? वो तो आकर बहुत हंगामा करेंगे। लेकिन आपने उसे समझाया क्यों नहीं? वो ऐसी बेवकूफी क्यों कर रही है? अरे मैंने उसे बहुत रोका, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रही। वो कह रही जब मेरी जिस घर में इज्जत नहीं है तो मैं उस घर में क्यों रहूं? तुम प्लीज चल के उसको खुद ही समझाओ। मैं खुद बात करता हूँ उससे। नुमान, नुमान,